गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने साधारण घटाव व हासिल का घटाव सीखा है। हासिल के घटाव में यदि संख्या के पड़ोसी के पास शून्य होता है तो कैसे घटाएंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। देखो यहाँ संख्या दी हुई है, यह है 5 0 0 0 3। इसमें से घटाना है 3 6 7 7 5। आपको पता ही है कि हम जब भी घटाना शुरू करते हैं तो हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं, तो यानी हम 3 में से 5 को घटाएंगे। लेकिन 3 तो छोटी संख्या है, वो 5 उसमें से कैसे घटेगा? तो हम क्या करेंगे, उसके पड़ोसी से उधार लेंगे। लेकिन पड़ोसी के पास भी शून्य है, तो ये कैसे उधार देगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से मांगेगा। लेकिन इस पड़ोसी के पास भी शून्य है, ये भी नहीं दे सकता है। अब ये अपने पड़ोसी के पास से मांगेगा, तो इसके पास भी क्या है, शून्य है, तो ये भी उधार नहीं दे पाएगा। तो ये क्या करेगा, अब ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। इस पड़ोसी के पास देखा 5 है, तो इसने कहा है कि मैं आपको एक उधार दे देता हूँ। तो 5 ने इस शून्य को एक उधार दिया। जब ये एक उधार देगा तो ये जो 5 है, ये 5 कट के कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इसने एक इसको उधार दे दिया। अब इसको ये उधार दे दिया तो ये बन गया 10। अब ये 10 बन गया, अब ये क्या करेगा, इसको उधार दे देगा। तो ये एक इसको उधार अब दे दिया, तो ये जब इसको एक उधार देगा तो इसके पास भी कितना रह जाएगा, 9, और ये बन जाएगा 10। अब ये जो 10 है, अब ये इसको एक उधार दे देगा तो इसके पास भी 9 रह जाएगा और इसके पास हो जाएगा 10। इसी तरह से अब ये भी इसको एक उधार दे देगा तो इसके पास बचेगा 9, और ये जो संख्या है ये हो जाएगी 13। अब 13 संख्या 5 से बड़ी हो गई है, अब हम इसको घटा सकते हैं। तो 13 में से जब हम 5 घटाएंगे तो संख्या आ जाएगी 8। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 6 हम घटाएंगे तो 3 बच्चा। अब यहाँ पे बच्चा है 4, 4 में से 3 गया 1। तो इस तरह से जब पड़ोसी शून्य हो तो हम इस तरह से घटाना कर सकते हैं। अब मैं कुछ सवाल और दे रही हूँ जिसे आपको करके अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करना है। थैंक यू बच्चों। Thank you.